बड़े राज्य में परंपरागत किसान विकास योजना और नमामि गंगे योजना जो है तकरीबन 6400 समूह पर इस राज्य में जैविक खेती हम लोग कर रहे हैं, जिसमें किसानों को तमाम तरह के इनपुट के साथ साथ ट्रेनिंग देने का कार्य भी कर दिया जा रहा है। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है किसान की आय को बढ़ाना, इसमें किसान और खरीदार के बीच में से बिचौलिया कैसे गायब हो, इसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया था, जिसमें इन 6400 समूह में काम करने वाले किसानों के उत्पाद को ऑर्गेनिक आउटलेट के माध्यम से सीधे सीधे जो हमारे राज्य में 7 करोड़ के आसपास जो पर्यटक आता है उससे जोड़ने का हमारा एक संकल्प था कि किसान जो उत्पादक है और जो पर्यटक है वो कंज्यूमर के रूप में सीधे एक दूसरे से जुड़ें और जो उत्तराखंड के विशिष्ट उत्पाद हैं ऑर्गेनिक उनकी मार्केटिंग करके किसान की जहाँ एक और किसान की आय को बढ़ने का अवसर मिले वहाँ दूसरी ओर वो सभी पर्यटक हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर बन के हमारे उत्पाद को पूरे देश में ले जाने का काम करें ताकि हमारे ऑर्गेनिक उत्पाद की डिमांड बने, वो एक ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश हो। उसी के तहत हम लोगों ने राज्य में 1300 आउटलेट बनाने का निर्णय लिया था, जिसमें फेजेज में हम इससे शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहले फेज में कुल मिलाकर के 364 आउटलेट्स पर को लेकर ये बैठक थी कि जो 24-25 करोड़ रुपया हम पे इस मत पर है उसके माध्यम से 20 प्रमुख स्थलों पर और तकरीबन 344 के आसपास पूरे प्रदेश में इस तरह के आउटलेट्स पर हम लोग जब शीघ्र निर्माण करने जा रहे हैं। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग को और मैदानी क्षेत्रों में मंडी परिषद को इसके लिए कार्यदायी संस्था के रूप में चयन किया गया है। इसमें जिलाधिकारियों को से कहा गया है कि वो जिस जी जनपद में जितने समूह हैं उस पर जो एवरेज आता है उस एवरेज के हिसाब से उतने दुकानों के निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण करें। इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन में भी बड़े आउटलेट्स बनाने का जो पूर्व में निर्णय था उसको किस तरह क्रियान्वित किया जाए उसको लेकर चर्चा हुई। और इसमें देहरादून के लिए हमारे ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड के जो MD हैं उनको नोडल अधिकारी और हरिद्वार में किस तरह से रेलवे के अधिकारियों से बात करने का के बाद रेलवे स्टेशन में भी हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश में इनका निर्माण और हल्द्वानी इनका निर्माण किया जा सके, इसके लिए विनय कुमार को जिम्मेदारी दी गई है कि वो रेलवे अधिकारियों से बात करें। इसको आवंटन करके किसान के समूहों के माध्यम से न केवल किसानों के हमारे समूह जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं बल्कि उस इलाके में जैविक उत्पाद पर काम करने वाले और साथ साथ चाहे वहाँ का कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जो विशिष्ट हमारे उत्पाद हैं, मतलब हैंडीक्राफ्ट का काम हो, वुडक्राफ्ट का काम हो, इस तरह के लोग भी इन आउटलेट्स के माध्यम से अपने उत्पाद को सीधे सीधे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और इससे दोनों का फायदा होगा। जहाँ किसान को उसके उत्पाद का वास्तविक मूल्य मिल पाएगा वहीं दूसरी ओर कंज्यूमर को भी एक उत्पाद सस्ते में मिलेगा और बिचौलिए की भूमिका खत्म होगी। तो कुल मिला के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है आर्थिक स्वावलंबी भारत, आर्थिक आत्मनिर्भर, तो हमारा किसान आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे बढ़े उसको लेकर के अभी योजना पर काम कर रहे हैं।